कि आज आजम खान को पेश होना था कोर्ट में, पर फिर एक बार आजम खान कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस से मांगी है रिपोर्ट। तो आपको बता दूं कि आज आजम खान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन आज आजम खान फिर से एक बार पेश नहीं हुए हैं। आजम के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला है। आजम के बेटे और पत्नी को भी कोर्ट में पेश होना था, लेकिन आज कोर्ट में पेशी नहीं हुई है। आजम की पत्नी और बेटे पर भी दो जन्म प्रमाण पत्र का आरोप है। कोर्ट ने अब 11 फरवरी को दिया है आजम खान को पेश होने का आदेश। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज आजम खान को कोर्ट में पेश होना था। दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ये विवाद चल रहा है, जिसमें आजम खान के बेटे और उनकी पत्नी का भी नाम शामिल है, पर आजम खान एक बार फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। आजम खान द्वारा अपने बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में ये मुकदमा चल रहा है, जिसमें तीनों के विरुद्ध अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तंजीम फातिमा, इन तीनों के विरुद्ध कुर्की की नोटिस के आदेश हो चुके थे, जिसमें अभी पूरे जनपद में मुनादी कराई गई थी। उसी मामले में आज तारीख थी। कोर्ट ने आज इसमें कुर्की के लिए पुलिस से आख्या मांगी है। मैंने इसमें एक प्रार्थना पत्र लगाया था कि मुझे कुछ सूत्रों के द्वारा पता चला है कि आजम द्वारा अपने घर का जो कीमती सामान है वो वहाँ से हटाया जा रहा है, जिसको कोर्ट ने आज संज्ञान में लेते हुए तुरंत थानागंज से उसमें पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। आज सांसद महोदय आजम खान की एडीएच है कोर्ट में सुनवाई थी। दो जन्म उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आकाश हुसैन ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।